झारखंड के गढ़वा जिले में भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह के कार्यक्रम के दौरान जमकर बवाल हुआ। इस दौरान अभिनेत्री के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया गया। कार्यक्रम में हंगामा इस कदर तक बढ़ गया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, जिसमें कई लोगों को चोटें आने की खबर है। अक्षरा सिंह का कार्यक्रम 8 दिसंबर को झारखंड के गढ़वा जिले में आयोजित हुआ था। यहां कार्यक्रम की शुरुआत हुई ही थी कि भीड़ बेकाबू हो गई। गौरतलब हो कि सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें अक्षरा सिंह को शामिल होना था। यह कार्यक्रम सत्तारूढ़ झामुमो कांग्रेस गठबंधन की हथियानी जौहर यात्रा का एक हिस्सा था, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 दिसंबर को शुरू किया था। कार्यक्रम में अक्षरा सिंह देरी से पहुंची थी, इस कारण उनका कार्यक्रम मुख्यमंत्री के सामने नहीं कराया जा सका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को संबोधित कर वहां से चले गए, जिसके बाद अक्षरा सिंह और निशा सिंह का नृत्य गीत कार्यक्रम होना था। जैसे ही अक्षरा सिंह का कार्यक्रम शुरू होने लगा, लोगों ने स्टेज के पास जाने की होड़ लग गई। लोग बेकाबू हो गए और कुछ ने कुर्सियां भी तोड़ दी। हंगामा बढ़ने के बाद अभिनेत्री स्टेज से जाने लगी। अक्षरा सिंह के कार्यक्रम को बीच में छोड़कर जाने के दौरान हंगामा और तेज हो गया। इस दौरान भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने अक्षरा सिंह के साथ बदसलूकी की। जैसे तैसे अभिनेत्री को भीड़ के बीच से बाहर निकाला गया। इसके अलावा अन्य कलाकारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया। मैडम क्या 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 व्यवस्था मिला सुरक्षा संबंधी? मैडम 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 कुछ बोलेंगे मैडम? हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स टॉप लाइव को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।